मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजगढ़ जिले के ग्राम छैन गांव का भ्रमण कर असमय बारिश एवं ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया। सीएम श्री चौहान ने किसान भाइयों से चर्चा की और उन्हें हर संभव राहत देने का आश्वासन देते हुए कहा कि 3 से 4 दिनों के भीतर सर्वे का कार्य पूरा किया जाएगा। सर्वे कोई चोरी चुपके नहीं होगा। हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, पंचायत के प्रतिनिधियों के बीच सर्वे की पूरी सूची बनेगी। पूरी सूची ग्राम पंचायत में चस्पा की जाएगी। फसल बीमा योजना में इस बार परिवर्तन किया गया है। बहुत दिनों तक क्लेम सेटल नहीं होते, इसलिए जो नुकसान हुआ है उसमें बीमित फसल का 25% एडवांस बीमा कंपनी को देना पड़ेगा। बाकी 75% क्लेम सेटल होने के बाद दिया जाएगा। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। इस तकलीफ से आपको निकाल कर ले जाना, ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है। DNU टाइम्स के लिए राजगढ़ से जिला ब्यूरो चीफ जगदीश सिसोदिया की रिपोर्ट। 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी, पर केवल फसल नहीं, कई जगह मुझे बताया कि पशु की मौत भी हुई है। जहां हुई है वहां की कह रहा हूं मैं, तो अगर गाय की भैंस की मौत हुई हो तो 30,000 रुपया उसके देंगे, बैल भैंसा 25,000 उसके देंगे, बछड़ा बछिया 16,000 उसके देंगे, भेड़ बकरी 3,000 उसके देंगे, मुर्गा मुर्गी 60 रुपया उसके भी देंगे अगर मौत हुई है। क्योंकि गरीब के लिए तो छोटी चीज भी चली जाए तो उसका नुकसान तो हो ही जाता है। और उसके साथ फसल बीमा योजना में इस बार परिवर्तन किया है। बहुत दिनों तक क्लेम सेटल नहीं होते, इसलिए जो नुकसान हुआ है बीमित फसल का, उसका 25% कंपनी को एडवांस में देना पड़ेगा, 75% बाद में क्लेम सेटल होने के बाद दिया जाए। मैं साफ कह रहा हूं, गरीब का राशन जिसने खाया है किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। यहां की दुकान भी चेक करो, कोई दुकान नहीं छोड़ेगा। ये काला पीठा कौन सी जगह थी? काली पीठ, गिरफ्तारी हो जाए और देखो ऐसे लोग कौन कौन है। ये देखने की जवाबदारी किसकी थी कि राशन ठीक से बटे? तो जिला आपूर्ति अधिकारी जो भी प्रभारी उसको मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं। ऐसे लोग नहीं चलेंगे, ये कोई चलेगा? कौन देखेगा? वहां फूड इंस्पेक्टर कौन है? जो भी है फूड इंस्पेक्टर वो भी सस्पेंड है। ये तमाशा थोड़ी चलेगा कि कोई भी खा जाए। ये इलाका मेरा गरीब।